हमारे चैनल से ज्वाइन होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल बातें चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हम आपको कभी भी किसी भी प्रकार का वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू डार्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, ब्लू डार्ट एक कुरियर सर्विस है जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह का कुरियर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से आप ब्लू डार्ट का फ्रेंचाइजी या डिलीवरी पॉइंट लेते हैं तो आपकी को किसी भी प्रकार का आपके एरिया में कुरियर होगा तो वो आपके पास आएगा और वहाँ से आपको डिलीवर करना पड़ता है। और इससे आपको यह फायदा होगा कि एक डिलीवरी पर आपको कुछ चार्ज देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम देखेंगे कि ब्लू डार्ट सर्विस का हम फ्रेंचाइजी कैसे लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि फ्लिपकार्ट का फ्रेंचाइजी कैसे लेते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सिंपल से आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट का फ्रेंचाइजी कैसे लेते हैं। वहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट के बारे में एक एक करके सारा डिटेल्स बताया गया कि इसका फ्रेंचाइजी कैसे लेते हैं और इसे कैसे ओपन करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम ब्लू डार्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी तरह का वीडियो। चलिए, फ्रेंचाइजी यानी कि डिलीवरी पॉइंट लेने के लिए सबसे पहले तो आपको ब्लू डार्ट के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। ब्लू डार्ट के ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ब्लू डार्ट का ऑफिशियल लोगो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है DHL। सिंपल से आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सिंगल, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बिजनेस लॉगिन आईडी और पासपोर्ट। तो हमारे पास तो बिजनेस लॉगिन आईडी और पासपोर्ट नहीं है, तो सिंपल से हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है अप्लाई फॉर क्रेडिट अकाउंट। सिंपल से हमको अप्लाई फॉर क्रेडिट अकाउंट पे क्लिक करना है। और अप्लाई फॉर क्रेडिट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है ब्लू डार्ट का ऑफिस और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है अप्लाई फॉर क्रेडिट अकाउंट। यहाँ पे हमें कंपनी नेम पूछा जाएगा, सिंपल से यहाँ पे कंपनी नेम डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है योर नेम। योर नेम में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आप मिस्टर है, मिसेस है, डियर है या आप जो भी है, सिंपल से आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फर्स्ट नेम। सिंपल से आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम फिल करना है और लास्ट नेम फिल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एड्रेस। सिंपल से आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लैंडमार्क। सिंपल से आपको यहाँ पे अपना लैंडमार्क फिल करना है कि प्रोडक्ट आने के बाद आपका लैंडमार्क कहाँ है और कहाँ से आप प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लोकेशन। सिंपल से यहाँ पे लोकेशन फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पिन कोड फिल करना है। उसके बाद ईमेल आईडी फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी इसमें फिल कर देना और वेरीफाई कर देना। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है शिपिंग मोड। शिपिंग मोड में हमें देखने को मिल जाता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। अगर आप डोमेस्टिक शिपिंग मोड लेना चाहते हो तो डोमेस्टिक पे क्लिक कीजिए, इंटरनेशनल लेना चाहते हो तो इंटरनेशनल पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए कि आप किस तरह का शिपिंग मोड लेना चाहते हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। और उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है नंबर ऑफ शिपमेंट पर मंथ। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि एक मंथ में आपका शिपमेंट कितना हो जाता है। सिंपल से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और नीचे हमें देखने को मिल जाता है एनुअल स्पेंड ऑन लॉजिस्टिक्स, यानी कि आप कितना एक साल में यहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं। सिंपल से आपको यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सबमिट बटन, सिंपल से सबमिट करना। चले फटाफट यह सारा डिटेल्स भर के हम आगे बढ़ते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पॉपअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अप्लाई फॉर क्रेडिट अकाउंट और नीचे आपको देखने को मिल जाता है वी हैव रजिस्टर्ड योर सक्सेसफुली एंड स्मॉल कॉन्टेक्ट योर शॉर्ट लिस्ट, यानी कि 7 बिजनेस वर्किंग डे में आपको ब्लू डार्ट कंपनी से कॉल आ जाएगा और यहाँ पे आपका डिटेल्स वेरीफाई करेगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू डार्ट फ्रेंचाइजी यानी कि डिलीवरी पॉइंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह से आप ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस का फ्रेंचाइजी यानी कि डिलीवरी पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के बाद 7 वर्किंग डे के अंदर आपको ब्लू डार्ट के कस्टमर केयर से कॉल आ जाएगा और वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा। तो वहाँ पे आपको डिटेल्स बताना है और वहाँ पे आपका डिटेल्स वेरीफाई होगा। अगर
के फ्रेंचाइजी के लिए एलिजिबल होंगे तो वहाँ पे आपको ब्लू डार्ट का फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इसके थ्रू आप ज्वाइन करके एक अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे किसी और सर्विस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी तरह का वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।